नमस्कार दोस्तों, मैं द्रौपदी नंदा, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं महालक्ष्मी का फुलेरा बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये बांस का फुलेरा है। मैं बांस को चारों फूट में बांध ली हूँ और इस प्रकार से बांस का फुलेरा बनता है। इसके लिए मैं बहुत सारी ये फ्लावर्स रखी हुई हूँ। ये देखिए, फुलेरे में लगते हैं ये फ्लावर्स, कमल के फूले हुए फ्लावर्स हैं। देखिए, ये भी फुलेरे में लगने वाले फ्लावर्स हैं और ये जास्मिन के फ्लावर्स हैं। सब हम इसमें बांधने वाली हैं और ये बेल पत्ती है दोस्तों, तो हम ये सब इसमें यूज करने वाले हैं। अब हम इसमें फुलेरा बांधने जा रहे हैं। देखिए, तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे पूरे वीडियो में। अब मैं इसमें पूरा फुलेरा आप लोगों को बांध के दिखाऊंगी। ये अलग अलग इस प्रकार से लटकाना है, यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे लगाएंगे हम। तो मैं यहाँ तक लगा ली हूँ दोस्तों। अब मैं दूसरे वाले फ्लावर्स लगा रही हूँ, ये वाले फ्लावर्स। अब इनको भी मैं इन्हीं के बीच में लगा के दिखाऊंगी। इस तरह से ऐसे लगाऊंगी। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है। इसमें हम ये बेल पत्ती है, ये बेल पत्ती इकट्ठा कर देंगे, बांधती हूँ, बेल पत्ती लटकाएंगे। ये माला है और इसमें हम माला लगाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा फुलेरा बनकर तैयार हो गया है। अब हम फुलेरा की पूजा करने के लिए जहाँ पर हम पूजा करेंगे वहाँ पर ले जाकर हम बांध देंगे। तो इस प्रकार से हमारा फुलेरा बना है दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी साझा कीजिएगा और छोटी सी बेल आइकन रहती उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हत्थी महाराजा का वीडियो तो मैं नहीं दिखा पाई, पर माता लक्ष्मी बना रही हूँ मैं। माता लक्ष्मी बची हैं अभी बनाने के लिए। ये देखिए, छोटी सी मैं माता लक्ष्मी बना रही हूँ और पत्ते के फल फूल पत्ते से ही हम माता जी को पहले श्रृंगार पहना देंगे, क्योंकि ऐसे ही नहीं बिठा लेंगे। जब हम पूजा करेंगे तब माता जी को हम श्रृंगार अर्पित करेंगे। तो हत्थी महाराज की भी हम सजावट कर रहे हैं और महालक्ष्मी भी बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पूरे वीडियो में पूजा करते तक दिखाऊंगी, क्योंकि अंधेरा के कारण ज़्यादा कुछ दिख नहीं पा रहा है, परंतु पूजा का पूरा सार में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। अब यहाँ पर सृष्टि डांस करने वाली है दोस्तों, तो सृष्टि का डांस देखिएगा। छोटी सी बच्ची है और ये हर पूजा पाठ में खुश होकर डांस करने लगती है। हाँ, नाचो। ये माता जी हमारी हरे हरे पत्तों से तैयार हो गई हैं और हम इसकी आंख बना रहे हैं घूमते से। ये देखिए, अब माता जी की आंख बन गई। देखो कितनी सुंदर लगने लगी हमारी माता जी, और ये हरे हरे पत्ते से पहन के और भी सुंदर लगने लगी। माता जी की आंख बन गई और ये नाक बन गई और यहाँ पे ये मुंह बन गया और ये मस्तक बन गया। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पूजा की सामग्री है। पूजा की सामग्री में जो सामान लगते हैं, सबसे पहले मैं तो पान दिखा देती हूँ। ये देखिए, पान सुपारी लगती हैं, ये पान है और ये भुनते हैं, केला है, ककड़ी है और फल है और ये सिंदूर है और ये चावल है और ये नारियल है
हाथी की सूंड में चढ़ाते हैं, ये हाथी का श्रृंगार, ये धूप अगरबत्ती है और ये भी अगरबत्ती है और ये श्रृंगार का सामान है माता जी का। ये देखिए ये माता जी का श्रृंगार का सामान है सब इसमें, और ये सामान है सामान है माता जी की, ये लाल चूड़ी चढ़ती है माता जी की, ये देखिए ये बिंदी है और माता जी का ये मंगलसूत्र है। तो ये माता जी के लिए हम करवाते हैं पूजा में, और सामान ये इसमें भी आते हैं। मैं माता जी को यहाँ पर बिठाती हूँ, मैं माता जी को इरावत हत्थी के ऊपर बिठाती हूँ, और ये हत्थी चलाने वाले बैठे हैं और ये इरावत हत्थी है। तो अब हम पूजा करने के लिए तैयार हैं, और वो फुलेरा बन रहा है तो फुलेरा के नीचे हम इरावत हत्थी को बिठा लेंगे और पूजा करेंगे। तो मैं फिर से गांव आई हुई हूँ दोस्तों, क्योंकि गांव में नदी मिल जाती है और नदी में नहाने का, और हत्थी सिराने भी नदी में ही जाते हैं। इस प्रकार से मैं शॉर्ट में पूजा का वीडियो दिखा रही हूं दोस्तों, अगर पूरा वीडियो दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग तो पूजा करते हैं, आप लोगों को तो पता ही है। तो इस प्रकार से हम फल फूल सामग्री बत्ती लगाकर जैसा जैसा पंडित जी पूजा करा रहे हैं उसी प्रकार से हम पूजा कर रहे हैं। प्यो नमो नम ऐरावत देवता, प्यो नमो नम माता महालक्ष्मी देव भाई नमो नम। हाँ वही तो हाथ के स्पर्श करके नीचे रख दीजिए आप। महालक्ष्मी देव भाई नमो ऐरावत देवता, प्यो नमो नम फलेरा देवता, प्यो। महालक्ष्मी जी का व्रत का आरंभ कर दिया, बहुत सी नारी गंधारी के साथ व्रत प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगी, कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी। तो इस प्रकार से पूजा करके नदी किनारे लाकर फिर से पूजा करते हैं, और इरावत हत्थी को हम नदी में विसर्जन कर देते हैं, तो ये इंद्रलोक फिर से वहीं की वहीं पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से लोगों की धारणा है दोस्तों, महाभारत में इस प्रकार से इरावत हत्थी की पूजा की थी, तो सभी महिलाएं महालक्ष्मी माता की पूजा करके, और इरावत हत्थी वाहन कहलाता है माता लक्ष्मी का, इस प्रकार से विसर्जन कर देते हैं। तो बहुत महत्व रहता है दोस्तों, सभी के घर में लक्ष्मी माता रहती है, तो हम इस प्रकार से विसर्जन करने के बाद फिर घर आ जाते हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि हत्थी का विसर्जन कैसा हुआ, तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और छोटी सी बेल आइकन रहती है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।